बच्चों आपको इस क्वेश्चन में किसी स्कूल में होने वाली एक्टिविटी दी है और उनमें पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। आपको बेटा बार ग्राफ बनाना है, दंड आलेख बनाना है। कैसे? 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट लेना है। बेटा ध्यान दीजिए, इस एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए हैं, इस एक्सिस पे एक्टिविटी लूंगी। अब ध्यान दो, प्लेइंग करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 45। तो बेटा स्केल की हेल्प से हम 45 तक जाएंगे। ये है 45, ठीक है। और बेटा ये बार ग्राफ हमारा तैयार हो जाएगा। ये मिला दिया मैंने। ये क्या है बेटा? प्लेइंग करने वाले, खेलने वाले स्टूडेंट के लिए ग्राफ है, ठीक है। अब स्टोरी बुक रीड करने वाले 30 हैं। तो बेटा 30 ये रहा, रीडिंग करने वाले स्टूडेंट का ग्राफ तैयार हो गया। ये रहा, ये स्टोरी बुक वाले, ठीक है। अब बेटा टीवी देखने वाले 20 हैं। तो 20 की सीध में ये हम यहाँ तक हाइट लेंगे और ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। ये कौन से स्टूडेंट? जो टीवी देखते हैं, वॉचिंग टीवी। अब बेटा इधर म्यूजिक वाले 10 हैं। तो बेटा ये 10, ये हम ग्राफ बना देते हैं। ये 10 वह स्टूडेंट हैं जो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। अब बेटा 15 स्टूडेंट पेंटिंग करते हैं। तो बेटा 15 ये हो गए, ठीक है। और ये हमने इस ग्राफ बना दिया। ये वह स्टूडेंट है जो बेटा पेंटिंग करते हैं। इस तरह से दंड आलेख बार ग्राफ तैयार हो गया। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में 6 दिन में किसी दुकान में बेची गई किताबों की संख्या दे रखी है। बच्चों इधर दिन दे रखे हैं और इधर बेटा नंबर ऑफ बुक सोल्ड दे रखा है। आपसे कहा है बार ग्राफ ड्रॉ कीजिए, दंड आलेख बनाइए। बेटा इस एक्सिस पे मैंने दिन लिए, डे लिया, और इधर बेटा नंबर ऑफ बुक सोल्ड लिया, बेची गई किताबों की संख्या ली। 1 यूनिट इक्वल टू 10 बुक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे। संडे के दिन बेटा 65 बुक बेची गई। तो आप ध्यान दीजिए बुक्स किधर है बेटा? इधर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 65 लेना है। तो 60 और 70 के बीच में यहाँ होगा, होगा। अब बेटा यहाँ से हम ग्राफ बना लेते हैं, ये इस तरह से। ये कौन से दिन बेटा? संडे के दिन ये कितनी बिकी? 65 बिकी, ठीक है बुक। मंडे के दिन बेटा 40 ये है, ठीक है। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। मंडे के दिन बच्चों 40 बुक बिकी। तो यहाँ क्या लिख दो? मंडे, और यहाँ क्या लिखोगे? 40 बुक। अब बेटा ट्यूसडे के दिन 30 बुक बिकी। तो 30 ये रहा। अब ग्राफ बना देते हैं। ये हो गया ट्यूसडे का दिन, 30 बुक बिकी। वेनसडे के दिन 50 बुक बिकी, 50 ये है। ये ग्राफ बना देते हैं। वेनसडे के दिन 50 बुक बिकी। अब बेटा थर्सडे के दिन 20 बुक बिकी, 20 ये है। अब बेटा फ्राइडे के दिन 70 बुक बिकी। तो ये देखिए, ये मिल गया हमको ग्राफ। ये फ्राइडे के दिन बिकी बेटा 70 बुक। फ्राइडे लिख दो यहाँ, और बुक कितनी हो गई? 70। इस तरह से बेटा बार ग्राफ तैयार हो गया। इसे हिंदी में दंड आलेख कहते हैं।
आपको इस क्वेश्चन में किसी फैक्ट्री में बनने वाली साइकिलों की संख्या दे रखी है और बेटा किस ईयर में कितनी साइकिलें बनी हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। इधर बेटा ईयर दिया है और इधर बेटा मैन्युफैक्चर होने वाली साइकिलें दी हैं। आपको बेटा बार ग्राफ बनाना है, दंड आलेख बनाना है। कैसे बनाएंगे? एक बॉक्स को बेटा 100 साइकिल के बराबर मान के बनाएंगे। इधर वाली एक्सिस पे ईयर्स लिया बेटा, वर्ष लिया, और इधर बेटा नंबर ऑफ बाइसिकल ली, साइकिलों की संख्या ली। अब बेटा ध्यान देना, 1998 में 800 साइकिल बनी, तो बेटा 800 देखो ये रहा, ठीक है। अब हम इसे बनाते हैं, 800 बाइसिकल बनी 1998 में, ये इससे इसको मिला दिया और ये ग्राफ बन गया। कौन सी ईयर का बेटा? 1998 का, ठीक है। 1999 में 600 बाइसिकल बनी, तो बेटा 600 ये रहा, इसकी सीध में ये पॉइंट बना लो। अब हम ग्राफ बना देंगे, ये बना दिया। कौन से ईयर में बनी बेटा? ये 1999 में बनी। अब 2000 में 900 बाइसिकल बनी, तो बेटा 900 कहाँ है? ये रहा, ठीक है, इसकी सीध में ये हमको मिल गया पॉइंट। अब हम ग्राफ बना देते हैं, मिला दो स्केल से इस तरह से, और यहाँ लिख देते हैं हम कौन से ईयर में बनी। ये बनी बेटा 2000 में। ये जो ईयर है बेटा आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलो, 2001 में बेटा 101 बाइसिकल बनी। 101 ये रहा, इसकी सीध में ये पॉइंट हमको मिल गया। अब हम इसे स्केल की हेल्प से मिला के ग्राफ बना देते हैं, ये बन गया। ये कौन सी ईयर में बनी बेटा? 2001 में बनी। अब 2002 में बेटा 1200 बाइसिकल बनी। 1200 बेटा ये रहा, इसकी सीध में ये पॉइंट मिल गया। अब बच्चों स्केल की हेल्प से ग्राफ बना दो, ये बन गया, ठीक है। ईयर कौन सा है बेटा? 2002। इस तरह से बेटा बार ग्राफ तैयार हो गया। अब बच्चों हमसे दो बातें पूछी हैं, किस ईयर में सबसे ज्यादा बाइसिकल बनी, मैक्सिमम बाइसिकलें कौन से ईयर में बनी। तो बेटा सबसे ज्यादा हाइट बेटा ये है हाइट सबसे ज्यादा, ठीक है। कितनी बनी बेटा ये आप ध्यान दो, 1200 बाइसिकल बनी। कौन से ईयर में? 2002 में बनी, ठीक है। अब सबसे कम बाइसिकल कौन से ईयर में बनी? तो बेटा ध्यान दो, सबसे छोटी हाइट बेटा ये है हाइट सबसे छोटी। तो बाइसिकलें कितनी बनी बेटा? 600 बाइसिकलें बनी। कौन से ईयर में बेटा? 1999 ईयर में बनी। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में किसी शहर में एज ऑफ ग्रुप दे रखा है बेटा, और इस एज ऑफ ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। बेटा आपको किसी शहर में आयु समूह दे रखा है वर्षों में, और उसके अकॉर्डिंग व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। आपको बेटा इस क्वेश्चन में बार ग्राफ बनाना है, दंड आलेख बनाना है। हम बेटा स्केल मानेंगे एक बॉक्स बेटा 20,000 के इक्वल, ठीक है। इस वाले एक्सिस पे एज ग्रुप लिया और बेटा इस वाले एक्सिस पे नंबर ऑफ पर्सन लिया। चलिए शुरुआत करते हैं, 1 to 14 इस एज ग्रुप के कितने लोग हैं? 2 lakh, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा 2 lakh तो ये हुआ है ना, तो यहाँ पॉइंट बना लेते हैं। अब इससे इसको मिला देते हैं, ये मैंने मिला दिया। और ये कौन सा एज ग्रुप है? 1 to 14। और बेटा ये कितने हैं?
2 लाख। अब बेटा 15 to 29 एज ग्रुप के 1,60,000 है, तो 1,60,000 इसकी सीध में देखो, ये पॉइंट बना लो। अब ग्राफ बना दो, एज ग्रुप कौन सा है बेटा, 15 to 29। अब बेटा एज ग्रुप 30 to 44 तक का, 30 to 44, 1,20,000। 1,20,000 बेटा ये है, यहां पॉइंट बना लो और ग्राफ बना दो। एज ग्रुप क्या है, 30 to 44, ठीक है। 45 से 59 एज ग्रुप के भी 1,20,000 है, तो बेटा 1,20,000 ये है, ये पॉइंट बना लो उसकी सीध में। अब ग्राफ बना दो, एज ग्रुप कौन सा बेटा, 45 to 59, 60 to 74, 80,000 है, तो बेटा 80,000 ये रहा, इसकी सीध में ये पॉइंट बना लो और अब ग्राफ बना दो। ये हो गए आपके 60 to 74 एज ग्रुप वाले, ठीक है। 75 and above 40,000 लेना है, 40,000 बेटा ये रहा, ये पॉइंट उसकी सीध में हमने बना लिया। अब हम इसे स्केल की हेल्प से मिला देते हैं, ये मिला दिया, एज ग्रुप है बेटा 75 and above, ठीक है। अब ये बार ग्राफ बेटा तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऐसे दो एज ग्रुप बताने हैं जिनमें नंबर ऑफ पर्सन इक्वल हो, तो आप ध्यान दीजिए बेटा ये दोनों एज ग्रुप, ठीक है, इन दोनों एज ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1,20,000। तो एज ग्रुप कौन सा हुआ बेटा, एक ये और एक ये, क्या लिखोगे, 30 to 44 and 45 to 59। अब बेटा आपसे कहा है 60 ईयर और इससे अधिक वाले जो पर्सन होते हैं उन्हें कहा जाता है सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। आपसे कहा है कितने वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आप ध्यान दीजिए 60 और 60 से ज़्यादा वाले, तो बेटा 60 और 60 से ज़्यादा वाले ये दोनों हैं, है ना, 60 to 74 और ये क्या है, 75 and above, ठीक है। तो दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे, तो टोटल सीनियर सिटीजन पता चल जाएंगे। ये कितने हैं बेटा, तो आप देखिए ये हैं 80,000, ठीक है, और ये कितने हैं, तो आप देखिए ये हैं 40,000। 80,000 में 40,000 जोड़ लो, टोटल सीनियर सिटीजन पता चल जाएंगे, वरिष्ठ नागरिक दोनों को जोड़ोगे, 1,20,000 बेटा उस शहर में वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है।